हेलो एवरीवन, दिस इज वेब डेवलपमेंट कोर्स और यह HTML का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम HTML फाइल को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं अपनी नोटपैड की सहायता से। यदि आप कोई भी एडिटर इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिए। आप जो विंडोज में हमें पहले से एडिटर आता है नोटपैड या फिर वर्डपैड, उसकी सहायता से हम HTML फाइल को एडिट कर सकेंगे या फिर कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपने HTML फोल्डर खोल लीजिए और यहाँ पर न्यू फाइल क्रिएट करने से पहले यहाँ पर व्यू पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर ये फाइल नेम एक्सटेंशन पर टिक कर दीजिए। इस पर टिक करने से क्या होगा कि जो भी आप फाइल क्रिएट करेंगे उसकी एक्सटेंशन हमें इधर दिख जाएगी। तो हम अपनी फाइल का नाम रख देते हैं index.html। तो यहाँ पर सबसे पहले ये एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो जाएगी। टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो जाने के बाद इसको हम ओपन कर लेते हैं अपने नोटपैड में। तो यह नोटपैड में ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर हम HTML का बॉयलर प्लेट कोड लिख देते हैं। यहाँ पर हमें क्या लिखना है, doc type HTML और यहाँ पर HTML टैग ओपन और HTML टैग क्लोज। अब यहाँ पर हमें क्या देना है, हेडिंग टैग, तो हेडिंग और यहाँ पर हेडिंग। यहाँ पर भी हमें क्या देना है, HTML क्लोजिंग टैग में हैश। तो यहाँ पर हेडिंग में हम टाइटल दे देते हैं अपनी वेब पेज का, यहाँ पर टाइटल। तो यहाँ पर हमने टाइटल टैग को बंद कर दिया है और ओपन कर दिया है और क्लोज भी कर दिया है। अब यहाँ पर हम टाइटल दे देते हैं, तो दिस इज HTML पेज। हमने टाइटल क्या दे दिया है, HTML पेज। अब हेडिंग के नीचे हम एक बॉडी टैग लिखते हैं और इसके नीचे हम बॉडी को ओपन किया और बॉडी को हम क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हमने बॉडी क्रिएट कर ली है। अब हम बॉडी में हेडिंग टैग दे देते हैं। तो यहाँ पर ये H1 हेडिंग हमने दे दी है, H1 हेडिंग। तो इस तरह से एक वेब पेज का स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो इंडेंटेशन आप इधर देंगे, यहाँ पर जो टैग होते हैं उसके अंदर स्पेस देना क्या कहलाते हैं, इंडेंटेशन। यहाँ पर ये वाली स्पेस क्या है, इंडेंटेशन कहलाती है। इसको आप देंगे तो आपका कोड रीडेबल होगा और आप उस कोड को समझ पाएंगे। यदि ऐसा कोड होगा तो आप नहीं समझ पाएंगे कि कौन सा टैग क्लोजिंग टैग है, ओपन टैग है, या फिर इसका टैग हमने क्लोज किया भी है कि नहीं किया है। तो यहाँ पर जो हेडिंग टैग है यहाँ पर हम इंडेंटेशन दे देंगे। तो इस तरह से कुछ हमें यह रीडेबल होगा। अब यहाँ पर जो बॉडी है इसके अंदर सब टैग कौन सा है, H1 टैग। तो हमने H1 टैग को भी ऐसे कर दिया है। तो इस तरह से कुछ हमें अपनी को रीडेबल बना सकते हैं इंडेंटेशन देकर। तो इस तरह से यह हमारा एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा नॉर्मल सा। यहाँ पर आप लैंग्वेज देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं लैंग्वेज एट्रीब्यूट में। अब इसको क्या करना है, हमें सेव करना है फाइल और यहाँ पर ये सेव। तो यह फाइल सेव हो जाएगी। अब इसको कट कर देना है। अब यहाँ पर F2 प्रेस करना है तो यह रीनेम होगी। तो रीनेम में यहाँ पर txt हटाकर आपको HTML कर देना है और एंटर कर देना है। तो यह एक HTML फाइल बन जाएगी। अब कौन सी टेक्स्ट फाइल की जगह अब HTML फाइल बन जाएगी और इसको जाकर आपको फायरफॉक्स या फिर क्रोम में खोल लेना है। यहाँ पर इस फाइल को उठाया और इस पर ड्रॉप किया तो यह देख लीजिए, यह HTML फाइल बन जाएगी। तो इस तरह से आप नोटपैड की सहायता से भी HTML फाइल को एडिट या फिर क्रिएट कर सकते हैं। यदि आपको इसको फिर से एडिट करना है तो इसकी एक्सटेंशन बदलनी होगी। यहाँ पर HTML की जगह हमें क्या लिखना होगा, txt, या टेक्स्ट फाइल हो जाएगी और फिर से हम इसको एडिट कर पाएंगे। जो वर्डपैड होता है उसमें आप ऑटोमेटिकली ही इस फाइल को एडिट कर सकते हैं, HTML फाइल को। अब हम क्या करते हैं, अब VS कोड में चलते हैं और इस फाइल को देखते हैं किस प्रकार से हम अच्छे से बना सकते हैं। तो VS कोड इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप क्रोम में जाकर यहाँ पर लिख लीजिए VS कोड डाउनलोड। तो आप ऐसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पर जो पहली या फिर दूसरी लिंक आएगी उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर VS कोड की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी।
यहाँ पर यदि आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो विंडो पर क्लिक कीजिए, यदि लिनक्स है तो लिनक्स पर, और मैक है तो मैक पर। मेरा यहाँ पर विंडोज है तो यहाँ पर मैं विंडोज पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ये यह डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपको यह नॉर्मल एप्स की तरह ही इंस्टॉल कर लेना है। तो इस तरह से वीएस कोड डाउनलोड हो जाएगा, इसको इंस्टॉल नॉर्मल एप्स की तरह कर लेना है। अब क्या करते हैं, हम अपने फोल्डर में जाकर यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और ओपन विथ वीएस कोड। यहाँ पर इस फाइल को हम एचटीएमएल ही बना देते हैं, तो इस तरह से यह वीएस कोड खुल जाएगा। वीएस कोड खुल जाने के बाद हमें एक एक्सटेंशन की जरूरत पड़ेगी लाइव सर्वर नाम के, तो हम लाइव सर्वर को इंस्टॉल कर लेते। तो यहाँ पर ये लाइव सर्वर है और इसको हमें क्या करना है, इंस्टॉल करना है। मेरे में यहाँ से पहले से इंस्टॉल है इसीलिए यह दिखा रहा है। अब यहाँ पर देख लीजिए ये index.html फाइल है, इसका कोड हम हटाकर फिर से लिखेंगे। यहाँ पर आपको एक्सक्लेमेशन लिखना है तो यह अपने आप ही कोड लिखकर आ जाए, और इसको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर क्या करना है, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो यह हमारे ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। लाइव सर्वर क्या करता है, हमारी फाइल को डिफॉल्ट ब्राउजर में ओपन कर देता है। यहाँ पर हम हेडिंग दे देते हैं, जैसे ये क्या है हेडिंग, और इसके अंदर हम एक पैराग्राफ बना देते हैं और इसमें कुछ रैंडम टेक्स्ट दे देते हैं। तो इस तरह से यह एक वेब पेज क्रिएट हो जाएगा। आप जो कुछ भी इधर मॉडिफाई करेंगे तो यह ज्यों का त्यों हुई, जैसे ही आप फाइल को क्या करेंगे, सेव करेंगे और ब्राउजर पर जाएंगे तो वहां यह ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। कौन, लाइव सर्वर, यह ऑटोमेटिक अपडेट कर देगा यदि आप ब्राउजर पर जाएंगे, और रिफ्रेश करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप HTML फाइल को क्रिएट कर सकते हैं किसी VS कोड से। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो एवरीवन, दिस इज वेब डेवलपमेंट कोर्स और यह HTML का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम HTML फाइल को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं अपनी नोटपैड की सहायता से। यदि आप कोई भी एडिटर इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिए। आप जो विंडोज में हम पहले से एडिटर आता है नोटपैड या फिर वर्ड पैड, उसकी सहायता से हम HTML फाइल को एडिट कर सकेंगे या फिर कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपने HTML फोल्डर खोल लीजिए और यहाँ पर न्यू फाइल क्रिएट करने से पहले यहाँ पर व्यू पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर ये फाइल नेम एक्सटेंशन पर टिक कर दीजिए। इस पर टिक करने से क्या होगा कि जो भी आप फाइल क्रिएट करेंगे उसकी एक्सटेंशन हमें इधर दिख जाएगी। तो हम अपनी फाइल का नाम रख देते हैं index.html। तो यहाँ पर सबसे पहले ये एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो जाएगी। टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो जाने के बाद इसको हम ओपन कर लेते हैं अपनी नोटपैड में, तो यह नोटपैड में ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर हम HTML का बॉयलर प्लेट कोड लिख देते हैं। यहाँ पर हमें क्या लिखना है, डॉक टाइप। डॉक टाइप HTML और यहाँ पर HTML टैग ओपन और HTML टैग क्लोज। अब यहाँ पर हमें क्या देना है, हेडिंग टैग, तो हेडिंग और यहाँ पर हेडिंग। यहाँ पर भी हमें क्या देना है, HTML क्लोजिंग टैग में हैश। तो यहाँ पर हेडिंग में हम टाइटल दे देते हैं अपनी वेब पेज का, यहाँ पर टाइटल टाइटल। तो यहाँ पर हमने टाइटल टैग को बंद कर दिया है और ओपन कर दिया है और क्लोज भी कर दिया है। अब यहाँ पर हम टाइटल दे देते हैं, तो दिस इज HTML पेज, हमने टाइटल क्या दे दिया है, HTML पेज। अब हेडिंग के नीचे हम एक बॉडी टैग लिखते हैं और इसके नीचे हम बॉडी को ओपन किया और बॉडी को हम क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हमने बॉडी क्रिएट कर ली है। अब हम बॉडी में हेडिंग टैग दे देते हैं, तो यहाँ पर ये H1 हेडिंग हमने दे दी है, H1 हेडिंग। तो इस तरह से एक वेब पेज का स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो इंडेंटेशन आप इधर देंगे, यहाँ पर जो टैग होते हैं उसके अंदर स्पेस देना क्या कहलाते हैं, इंडेंटेशन।
यहाँ पर ये वाली स्पेस क्या है, इंडेंटेशन कहलाती है। इसको आप देंगे तो आपका कोड रीडेबल होगा और आप उस कोड को समझ पाएंगे। यदि ऐसा कोड होगा तो आप नहीं समझ पाएंगे कि कौन सा टैग क्लोजिंग टैग है, ओपन टैग है, या फिर इसका टैग हमने क्लोज किया भी है कि नहीं किया है। तो यहाँ पर जो हेडिंग टैग है यहाँ पर हम इंडेंटेशन दे देंगे, तो इस तरह से कुछ हमें यह रीडेबल होगा। अब यहाँ पर जो बॉडी है इसके अंदर सब टैग कौन सा है, H1 टैग, तो हमने H1 टैग को भी ऐसे कर दिया है। तो इस तरह से कुछ हमें अपनी कोड को रीडेबल बना सकते हैं इंडेंटेशन देकर। तो इस तरह से यह हमारा एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा नॉर्मल सा। यहाँ पर आप लैंग्वेज देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं लैंग्वेज एट्रीब्यूट में। अब इसको क्या करना है, हमें सेव करना है फाइल, और यहाँ पर ये सेव, तो यह फाइल सेव हो जाएगी। अब इसको कट कर देना है। अब यहाँ पर F2 प्रेस करना है तो यह रीनेम होगी, तो रीनेम में यहाँ पर TXT हटाकर आपको HTML कर देना है और एंटर कर देना है। तो यह एक HTML फाइल बन जाएगी। अब कौन सी टेक्स्ट फाइल की जगह अब HTML फाइल बन जाएगी, और इसको जाकर आपको फायरफॉक्स या फिर क्रोम में खोल लेना है। यहाँ पर इस फाइल को उठाया और इस पर ड्रॉप किया तो यह देख लीजिए यह HTML फाइल बन जाएगी। तो इस तरह से आप नोटपैड की सहायता से भी HTML फाइल को एडिट या फिर क्रिएट कर सकते हैं। यदि आपको इसको फिर से एडिट करना है तो इसकी एक्सटेंशन बदलनी होगी। यहाँ पर HTML की जगह हमें क्या लिखना होगा, TXT, या टेक्स्ट फाइल हो जाएगी और फिर से हम इसको एडिट कर पाएंगे। जो वर्ड पैड होता है उसमें आप ऑटोमेटिकली ही इस फाइल को एडिट कर सकते हैं HTML फाइल को। तो अब हम क्या करते हैं, अब VS कोड में चलते हैं और इस फाइल को देखते हैं किस प्रकार से हम अच्छे से बना सकते हैं। तो VS कोड इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप क्रोम में जाकर यहाँ पर लिख लीजिए VS कोड डाउनलोड। तो आप ऐसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पर जो पहली या फिर दूसरी लिंक आएगी उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर VS कोड की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पर यदि आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो विंडो पर क्लिक कीजिए, यदि लिनक्स है तो लिनक्स पर, और मैक है तो मैक पर। मेरा यहाँ पर विंडोज है तो यहाँ पर मैं विंडोज पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपको यह नॉर्मल एप्स की तरह ही इंस्टॉल कर लेना है। तो इस तरह से VS कोड डाउनलोड हो जाएगा, इसको इंस्टॉल नॉर्मल एप्स की तरह कर लेना है। अब क्या करते हैं, हम अपने फोल्डर में जाकर यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और ओपन विथ VS कोड। यहाँ पर इस फाइल को हम HTML ही बना देते हैं। तो इस तरह से यह VS कोड खुल जाएगा। VS कोड खुल जाने के बाद हमें एक एक्सटेंशन की जरूरत पड़ेगी लाइव सर्वर नाम के, तो हम लाइव सर्वर को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये लाइव सर्वर है और इसको हमें क्या करना है, इंस्टॉल करना है। मेरे में यहाँ से पहले से इंस्टॉल है इसीलिए यह दिखा रहा है। अब यहाँ पर देख लीजिए ये index.html फाइल है, इसका कोड हम हटाकर फिर से लिखेंगे। यहाँ पर आपको एक्सक्लेमेशन लिखना है तो यह अपने आप ही कोड लिखकर आ जाएगा। और इसको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर क्या करना है, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो यह हमारे ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। लाइव सर्वर क्या करता है, हमारी फाइल को डिफॉल्ट ब्राउजर में ओपन कर देता है। यहाँ पर हम हेडिंग दे देते हैं, जैसे ये क्या है हेडिंग, और इसके अंदर हम एक पैराग्राफ बना देते हैं और इसमें कुछ रैंडम टेक्स्ट दे देते हैं।
तो इस तरह से यह एक वेब पेज क्रिएट हो जाएगा। आप जो कुछ भी इधर मॉडिफाई करेंगे तो यह ज्यों का त्यों हुई, जैसे ही आप फाइल को क्या करेंगे सेव करेंगे और ब्राउजर पर जाएंगे तो वहां यह ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। कौन? लाइव सर्वर यह ऑटोमेटिक अपडेट कर देगा। यदि आप ब्राउजर पर जाएंगे और रिफ्रेश करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप HTML फाइल को क्रिएट कर सकते हैं किसी VS कोड से। फिर इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।